हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पे करोल बाग में, और आज आपके सामने फुल्ली मॉडिफाइड थार, और मेरे साथ में मनीष भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। तो आज क्या दिखाने वाले भैया? आज इस गाड़ी में हमने बम्पर लगा दिया, ग्रिल लगा दी, पूरी मतलब पूरी मॉडिफिकेशन कर दी है, पूरी मॉडिफिकेशन कर दी है, सारा कुछ लगा दिया। तो भाई गाड़ी आपके सामने, भाई गाड़ी आप खुद देख के बताओ कैसी लग रही है। अलॉय वलॉय लगने के बाद गाड़ी की जो लुक है कुछ ऐसी निकल के आती है। हमेशा मैं गाड़ी दिखाता हूँ खुली हुई, आज हम गाड़ी दिखा रहे हैं पूरी फुल्ली तैयार, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट था, गाड़ी पूरी तैयार हो चुकी है, लेकिन आपको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, बिकॉज ऑफ जब अलॉय लग जाते हैं ना तो गाड़ी के अंदर जो लुक आता है वो अलग ही आता है। तो भैया हमने इसके अंदर क्या क्या लगाया, कौन कौन सी क्वालिटी लगाई है? यू शेप वाली हेडलाइट लगाई है, ब्लू रिंग वाली, यू शेप वाली ब्लू कलर के साथ, ब्लू रिंग मतलब जो यू शेप डीआरएल जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है। और इसमें हमने लगाई है 7 स्लॉट वाली जो रेंगलर ग्रिल, जो हमने सीधा बोलते हैं कर्व वाली ग्रिल लगाई है, ठीक है। बुलहोन वाला बम्पर लगाया, फॉग लैंप प्रोजेक्टर GTR लगाया है, गोल वाला अपना DRL लगाया है, ठीक है। एक बार भैया लाइट ऑन करवाते हैं, तब पता चलेगा। ये देखो भाई कुछ ऐसे करके, ये ब्लू करके अपनी, ये ब्लू रहती है भैया, व्हाइट भी होती है, ओनली ब्लू रहेगी ना। कौन कौन से कलर आते हैं इसमें? ये ब्लू, येलो और व्हाइट, ब्लू येलो और व्हाइट। बाकी भाई ये देखो, हेडलाइट जब ऑन करते हैं तो दो प्रोजेक्टर ऐसे कुछ ऑन हो जाते हैं, और भैया इसको हाई लो करते हैं तो कौन सा होता है? हाई लो में साइड वाला होगा। हाई लो करना भाई, इसको डिपर मारो, डिपर 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 मारो। ये देखो भाई साइड में कुछ इस तरीके से डिपर मारती है गाड़ी, देख रहे हो, साइड में अलग ही लगा रखा है, बढ़िया है, हेडलाइट बहुत बढ़िया है। भाई बात करते हैं इसके GTR वाले फॉग लैंप की। तो अभी अपने पास कई क्वालिटी के GTR फॉग लैंप, मतलब GTR जैसे फॉग लैंप अवेलेबल है, अभी हमारे पास भैया बहुत सारे अवेलेबल है, जो जैसे क्रिस्टल है, Q8 प्रो वाला भी है, GTR है, जिमर है, सारे प्रोजेक्टर सारे अवेलेबल है। बाकी आपकी डिमांड है कि आप अगर चाहते हो तो GTR लगवा सकते हो। इसकी जो रिस्पॉन्स है वो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कितने ज्यादा रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट के हिसाब से। हमारे पास जितने भी प्रोजेक्टर है ना सारे एक पे एक है, मतलब बढ़िया है, बढ़िया है सारे, कोई भी लगा लो आपका जैसा मन करता ना, एज पर और बजट भी थोड़ा ज्यादा नहीं है, मतलब सिमिलर से ही बजट है, लेकिन यह है कि कुछ में खासियत अलग है। जो अपना Q8 Pro है उसके अंदर एक स्पॉटलाइट वाला ऑप्शन मिल जाता है हमें ना, और ये वाला जो अपना ये इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। बाकी आपके बजट के हिसाब से हमारे पास IPS भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो। स्टार्टिंग जो अपना IPS का भी है वो थार वाले बहुत कमी IPS लगाते हैं, वो कहते हैं जो आपको बढ़िया लगता है वो लगा दो, सही बात है। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप जिमर लगवा लो या फिर आप GTR लगवा लो या फिर आप लगवा लो अपना Q8 Pro जो क्रिस्टल आई वाला है अपना, वो लगवा सकते हो। तो भैया ये जो बम्पर है अपना, ये वाला बुलहोन का है, बुलहोन का बम्पर। तो इसके अंदर भी है कौन कौन सी क्वालिटी है? बम्पर ये ABS बम्पर है, इसमें फाइबर भी आता है बट कम बिकता है, कोई लगवाता नहीं है। अच्छा। बुलहोन बिकता है, जो GL वाला बम्पर है वो फाइबर भी आता है। इसके एक क्वालिटी और आती है ना भैया, सिमिलर चीज होती है बिल्कुल, वो GL वाला, GL वाला है ना, तो वो भी अच्छा बम्पर है, लेकिन उसके अंदर ये चीज नहीं आती है ना, ब्रांडिंग नहीं होती है इसके अंदर, ब्रांडिंग के ये चीज में तो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। तो भैया इसकी जगह क्या लगता है फिर, पुराना कुछ है? नॉर्मल ब्लैक लगता है। तो वो उसके साथ में आता है या पहले से कम साथ में ही आता है? सब बम्पर के साथ उसके कान बोलते हैं। अच्छा, साथ में ईयर बोलेंगे इसको हमें, कान हो गए, ईयर हो गए, कान हो गए। चलो भाई, तो ये कुछ ऐसा आपको गाड़ी देखने के लिए मिलेगी, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर ये सारी चीजें इंस्टॉल करवा लेते हो तो गाड़ी का जो लुक है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। फ्रंट में रेंगुलर वाली जो ग्रिल है वो भी लगा दी है, विद इसमें DRL लगाए भी है ना। तो भैया DRL का क्या है, मतलब एक तो ग्रिल अपने पास जो ऑलरेडी ग्रिल आती है DRL वाली, इनको रेंगुलर लुक चाहिए थी, और हाँ। इन्होंने जो लाइट LED लगाई है, जो चार LED आजकल मतलब बढ़िया लगती है, हमर लाइट बोलते हैं, हमर लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक हमर लाइट अपनी ऊपर भी लगी हुई है और एक हमर लाइट लगा दी यहाँ पे। गाड़ी जब दूर से आती है ना तो बहुत प्यारी लगती है गाड़ी का लुक, आप देख लो भाई, फ्रंट साइड से कुछ ऐसा लुक आपको गाड़ी का देखने को मिल जाएगा। और भैया ने जो इसके अंदर अलॉय इंस्टॉल करवाए भैया, फ्यूल कॉन्ट्रा वाले अलॉय हैं अपने, और अलॉय का साइज अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये अपना साइज हो गया 22 इंची है भाई, 22 इंची के अलॉय हैं वाले। देखो ये लिखा हुआ R22 लिखा हुआ है, आपको साथ में मतलब सामने से दिखा देता हूँ आपको, R22 22 इंची का अलॉय है, और जो गाड़ी का लुक है ना बहुत ज्यादा वाइल्ड हो गया, बहुत ज्यादा टायर भी देख रहे हो कितना ज्यादा भार हो चुका है, और उसके बाद ही थार जैसी गाड़ी का लुक आता है। पर वही है कि भाई जिसने चलाने हैं उसने चलाने हैं, क्योंकि हर कोई बंदा उसको अफोर्ड नहीं करता, कई बंदे भैया वो कंपनी वाले भी चलाते रहते हैं, बहुत बंदे कंपनी वाले भी चलाते हैं, जिसको मॉडिफिकेशन करानी है वो बंदा चेंज करवाता है। तो कुछ ऐसा फ्यूल काउंटर वगैरह या इसमें कई अलग तरीके के आपके अलॉय मिल जाते हैं, वो भी आप लगवा सकते हो। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भैया ने इसमें डोर हिंज लगा दिया अपना रेड कलर का, ये वाला रेड वाला थार का जो स्पेशल आता है ये वाला लगा दिया। इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा भाई आपको, हमारे पास इसका प्रो मैन का भी अवेलेबल है, जो कि लास्ट में आपको एक क्लिप मिल जाएगी जिसके अंदर मैं सारा सामान आपको दिखा चुका हूँ, पहले वाली वीडियो में दोबारा से आपको मिल जाएगी देखने के लिए, और 2-3 वीडियो के बाद फिर से मैं अपडेट मारूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की साइड में यहाँ पे हमर लाइट आ गई, अपनी 5 लाइट है, इसके साथ साथ हमर के साथ एक और आती है UFO वाली लाइट, UFO वाली भी अवेलेबल। कौन सी बढ़िया, मतलब दोनों में? दोनों बढ़िया भैया, किसी को ये पसंद आती है, ये जो लुक है जैसे ब्लैक गाड़ी के ऊपर ये स्मोक कलर लगता है तो दिखती नहीं है, दिन के टाइम पे अलग से लगी थोड़ा अलग से नजर आती है, लेकिन किसी को वो लुक पसंद है किसी को ये लुक पसंद है। ओके, इसके बाद अभी बात करते हैं साइड प्रोफाइल में और क्या क्या लगा भैया, कुछ और भी साइड में यही है। पीछे की बात करते हैं भैया, लाइट बंद करके चालू कराओ, ताकि इसकी जो टेल लाइट है ना भाई, वो आफ्टर मार्केट टेल लाइट हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है, जिससे थार की जो जान है वो पीछे से मतलब बढ़िया हो जाती है। ये कुछ गाड़ी का ना बैक साइड है भाई,
और यहाँ पर देखना आप लोग, ये रैंगलर वाली बिल्कुल डिट्टो जिसे बोलते हैं ना रैंगलर वाली, ये वही टेल लाइट है, कुछ ऐसे करके ऑन होगी, इंडिकेटर भी ऑन है आपके। और बाकी आपको इनके ऑप्शन में हमेशा दिखा चुका हूँ, आपको पता ही होगा। और ये देखो अलॉय की वजह से कितनी ज़्यादा अच्छी इसकी ना आ रही है ना, बढ़िया देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, लुक जो है ना बैक साइड से अलॉय की वजह से ही आ रही है। मेन बात करते हैं भाई इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो भैया इंटीरियर में हमने क्या क्या चेंज कर दिया है? इंटीरियर में गाड़ी में हमने तीनों आर्मरेस्ट लगाए हैं, ठीक है, अपना ये एम्बियंस लाइट लगाई है 18 पीस वाली और एक इसके अंदर जो एम्बियंस लाइट ऐसी जगह पे लगाई है इस गाड़ी के अंदर जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, रूफ पे पसंद है। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर लगा दी एम्बिएंट लाइट, ये भी आपकी माही कार ने तैयार करी है, और जो कि आपको एक तो यहाँ मिल जाएगी स्ट्रिप और एक आपको यहाँ पर भी मिलेगी। देखो यहाँ पर लाइट आ रही होगी तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रिप मिल जाती है। ये ना हम ही शुरू करते हैं, पहले हमने वहाँ पीछे की साइड में लगाई थी, आपने देखी होगी, अब हमने यहाँ पर भी लगा दी। सबका अलग अलग टेस्ट होता भी है ना। उसके अलावा हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया इसके एसी वेंट भी है, ग्रैब हैंडल, ग्रैब हैंडल लगा दी हमने वाइल्ड बोर के। इसके अलावा हमारे पास एक दो तरीके के और आ गए है ना, बुलोन का भी है, एक बुलोन भी है जो ये प्रोमैन का आता है, प्रोमैन का आता है जो कि यहाँ कहीं पे लगता है ऐसे करके, तो वो वाला भी अपने पास जो कि आप देख ही लोगे जब मैं एसेसरीज की वीडियो दिखाऊंगा। उसके अलावा ये गाड़ी ऑटोमेटिक है और यहाँ पर देखो इसका आर्मरेस्ट भी लगा हुआ है। इसके बाद इसका पीछे वाला जो आर्मरेस्ट है वो भी इंस्टॉल हो रखा है। यहाँ पर देखो सारे तीनों के तीनों आर्मरेस्ट जो वो इसके गाड़ी में इंस्टॉल हो चुके हैं। और जो अपनी एम्बिएंट लाइट है ये अपनी K4 अभी है, K3 है 18 पीस वाली K3 है। और मैं बताता हूँ इसमें आपको कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो ये चीज देखो, एक तो आपका इनर हैंडल हो गया, बॉटल होल्डर हो गया भैया, ठीक है पैरों में हो गया भैया, डैशबोर्ड पे दोनों पीस हो गया। ओके तो ये कुछ गाड़ी का इंटीरियर है, वाले बचते हैं वो हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्ट्रिप लग गई है, एक आपकी स्ट्रिप यहाँ पे खत्म होती है बीच में, उसके बाद एक पूरी वहां तक जाती है, तो हमने पीछे वाली जो है यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद इसका इंटीरियर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा लाइटों के साथ। सीट कवर चेंज नहीं हुआ भैया इसके अंदर, सीट कवर में ऐसे मतलब क्यों, सीट कवर बाद में करवाएंगे, बाद में कभी होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तो पन्नी वन्नी चढ़ी रही है गाड़ी के ऊपर। बात करते हैं भाई इस गाड़ी के प्राइसिंग की, तो लास्ट में आपको जो हुआ क्लिप हम जो बनाते हैं भैया वो दिखा देंगे, है ना। और इस गाड़ी के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है इसके GFX वाले मैट जो कि भैया ने पहले ही डलवा लिए थे। क्या देखो, ये कुछ क्वालिटी है GFX मैट की, जो कि भाई यूज़ करने के बाद थोड़े से ऐसे दिखेंगे आपको, लेकिन आप इसको कभी भी क्लीन कर सकते हो, धो धा के जैसे मर्जी, है ना। ये चीज़ है। और क्या हो गया भैया, उसका कुछ और भी बचा है, कंप्लीट है ना। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है, बाकी आपको देखने के लिए मिल जाएगी माही कार की तरफ से जितनी भी ऐसी सीरीज है ना जो कि हम इस शॉप के अंदर रखते हैं, आपको दिख ही रही होगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी सारी एसेसरीज, सारी टेल लाइट, जितने भी पार्ट हैं विद प्राइसिंग के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो थार जैसे भाइयों के लिए ना मैं आपकी वीडियो जो लेके आता हूँ ना आपके लिए, थार जैसे भाइयों के लिए मैं जो वीडियो लेके आता हूँ वो विद प्राइस लेके आता हूँ, तो भाई इन्जॉय करो पूरी वीडियो को, मज़ा आएगा, प्राइसिंग देखो और उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो कहीं से भी विद क्वालिटी के साथ आप आ सकते हो माही कार पे। गाड़ियों का तो काम आप कंप्लीट होते हुए देख ही सकते हो, लेकिन अब बात करते हैं प्राइसिंग की काफी दिनों बाद फिर से, तो जो हम करते हैं वो कोई नहीं करता, लेकिन अब बात करेंगे दोबारा से नई नई चीजों की। तो भैया आज हम क्या दिखाने वाले हैं? भैया आज हम सारे मॉडल हेडलाइट, टेल लाइट, उसके अलावा जो भी है अपना एसी वेंट है, एम्बियंस लाइट है, प्रोजेक्टर जो भी हम लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, जितनी भी हेडलाइट्स आती हैं वो सारी आज आपके सामने फिर से रख दी है मैंने। इसमें जितने भी नए डिजाइन है वो भी रख दिए हैं, नई ग्रिल रख दी है, नए नए इतने सारे आइटम रख दिए हैं, सबकी बात करेंगे, एक एक करके सबका प्राइस भी बताऊंगा। और प्राइस से क्या होता भैया, लोग घर बैठे बैठे जान जाते हैं कि काम हमने कैसा कराना है और कहाँ करवाना है। साथ देखो पहले हमारे पास ये जो स्पॉट लाइट थी वो एक ही तरीके थी, आप यहाँ पे आपको चार चार ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉग लाइट के इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, टेल लाइट के इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, टेल लाइट वगैरह सारी चीज अपने पास स्टॉक की बात करते हैं भैया, तो सारी अवेलेबल है, सारी अवेलेबल खत्म हो गया था जो लगा रहे थे बट अब स्टॉक में है। जितने भाई भी देख रहे हैं ना भाई, देखो मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन करता हूँ। बात करते हैं एड्रेस की, तो भैया की शॉप है दिल्ली में करोल बाग में माही कार एसेसरीज के नाम से, और साइड में अब्दुल अजीज रोड पे, साइड में भैया का नंबर भी, तो आप सीधा जो बात करते हो नंबर पे वो भैया से ही बात होती है आपकी। तो भैया वो एक सीन वो बता दो कि कोई भाई अगर कॉल करता है तो इसको रिप्लाई नहीं मिलता या कैसा होता है? कई बार बिजी रहते हैं, अगर ना रिप्लाई मिले तो आप दोबारा कॉल करो, कई बार हम कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे अगर रिप्लाई ना मिल पाए तो भैया उसके लिए सॉरी, मैसेज ना आता कि वो नीचे चले जाता है, सबका रिप्लाई नहीं हो पाता, तो जिस भाई को रिप्लाई मिल जाता है वो वेल एंड गुड है, जिसको नहीं मिलता भाई प्लीज कॉल कर लो। बात करते हैं हेडलाइट्स की, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने सारी हेडलाइट रखी हुई भैया, कौन कौन सी हेडलाइट है हमारे पास? ये वाली माइनस वाली हेडलाइट, ये मैंने जितनी भी लगाई है सारी ओरिजिनल वाली ही लगाई, सारी ओरिजिनल है, कॉपी का कोई सवाल ही नहीं है। देखो ये जैसे जी वैगन की कॉपी है, जो ये वाली लाइन है हमने बता रखी है, जी वैगन कॉपी, ये जी वैगन कॉपी, ओके, इसमें जो है भैया एक ये वाली जी वैगन ओरिजिनल है,
ये वाली ओरिजिनल है, ये वैगन ओरिजिनल है। इसका डीआरएल भी पतला है ना भैया, डीआरएल भी पतला है और इस वाली का डीआरएल के देखो भाई दोनों आसपास में रखी है, दोनों की क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, कितनी मतलब फर्क पड़ जाता है दोनों के अंदर ही। बात करते हैं भैया प्राइसिंग, इन सबकी नाम बताते जाओ, प्राइस बताते जाओ। ओनली माइनस 6500 माइनस विद रिंग 6500 अच्छा। जी वैगन ओरिजिनल 10500 10500 बहुत बढ़िया। इसके अलावा भैया ड्रैगन वाली हेडलाइट, ये वाली हेडलाइट भैया पड़ेगी आपको 12500 रूपए 12500 रूपए की आर पार की रोशनी के साथ, है ना। रोशनी इसकी भाई मैं बता रहा हूँ काफी अच्छी है। ये देखो थार की जितनी भी हेडलाइट है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी रोगी, लेकिन हाँ ठीक है कुछ जिनकी अच्छी होगी ना वो मैं आपको बता दूंगा। भैया ये कौन सी है? भैया ये किंग कॉन्ग प्लस नई हेडलाइट आई है, ये भी अच्छी हेडलाइट है। हाँ जी, इसका थ्रो भी अच्छा है ना, इसका थ्रो अच्छा है, थ्रो भी अच्छा है। और देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, खासियत बताता हूँ इसकी। खासियत ये है ये ब्लू होके व्हाइट जलती है, जैसे हमारी रैंगलर वाली जलती है, जैसे ये जलती है ऐसे सेम ये जलती है, इससे थ्रो में थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा होगी। अभी ये नई आई हेडलाइट, अभी इसका रिस्पॉन्स देखते हैं भैया। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद ये वाले तो अपना लो वाला हो गया, कॉपी वाला। हाँ ये कॉपी वाला, जी वगैरह कॉपी में ये भी ब्लू होके व्हाइट होती है भैया। अच्छा ये वाली हेडलाइट जो है भैया ये 7000 रेंज की हेडलाइट है, 7000 की रेंज की है, ठीक है। और ये वाली हेडलाइट जो है ये रेंगलर वाली है, ये 16500 16500 विद वन ईयर वारंटी सब। भैया इसके अंदर कुछ होगा थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट की बात करें तो? जो मैं प्राइस डालूंगा मैं आपको यहाँ पे आने वाले, एक तो मैं उससे कम ही बताता हूँ, ठीक है, गारंटी है बाद की भी, ठीक है। फिर जो ओवरऑल में होता है वो हम कर लेते हैं, बाकी आप कॉल वगैरह करके पता कर सकते हो दोबारा से किसी का प्राइस अगर पूछना चाहते हो। 8500 का, हाँ जी ठीक है। भैया इसका क्या प्राइस बताया आपने? भैया इसका प्राइस नहीं बताया, इसका प्राइस अभी नहीं बताऊंगा, इसका प्राइस देखते हैं अभी क्या देखते हैं, लेकिन आप कॉल करके पता कर सकते हो इस एक चीज का प्राइस। बाकी इसका प्राइस खुला है इसका, ये तो हमने बहुत सारी हेडलाइट लगाई है और अभी तक किसी सिंगल में कोई कंप्लेंट नहीं, और थ्रो का इससे इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, जिस भाई को थ्रो चाहिए ना वो आंख बंद करके यही लगवाता है। तो भैया इसका प्राइस क्या चल रहा है? भैया 8500 8000 टू 8500। बाकी आप लोग देख लेना भाई, देखो प्राइसिंग की बात करें आपको एक नंबर प्राइस मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कहीं भी प्राइसिंग के मामले में दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं जी वैगन कॉपी वाली, ये भी बहुत चलती है भैया, शोरूम में महिंद्रा लगाते हैं वाली हेडलाइट, सेम यही वाली। हाँ अच्छा लगाते हैं वो लोग, ये वाली भी आपको मैं दूंगा 6000 रुपए की, सिर्फ 6000 रुपए की मिलेगी, बताओ 6000 में। और ये सभी जो प्राइस है ना भाई, आप लोग पूछोगे कि सिंगल का प्राइस है, ये सारा प्राइस जो पेयर का है, मतलब कि आपको जो प्राइस हम बता रहे हैं उस प्राइस में आपकी एक गाड़ी का इधर और इधर ये दोनों सिस्टम हो जाएगा। बढ़िया बात करते हैं इसकी भैया, ये पोर्शे है, ये अभी तक फिलहाल हमारे पास किसी ने लगवाया नहीं, लगवाया भैया किसी गाड़ी में लगा हुआ है मतलब साल भर से हम लोग काम कर रहे हैं, साल भर से भी ऊपर हो गया बेसिकली, लेकिन वहां पे एक गाड़ी लगी है तो आपके ऊपर ये आपको जिसका टेस्ट होता है वो बंदा लगवा के मानता है। ये वाली कौन सी है? रैंगलर से इंस्पायर्ड है, मतलब मिलती जुलती है। अच्छा ये भी भैया बिक रही है, नई आई है हेडलाइट है, ये भी सही चलती है, ठीक है। तो मतलब ये देख लो भाई कैसी हेडलाइट है, थोड़ी पतली सी भी है और ये देख लो ये कुछ है। तो भैया ये कुछ अपनी हेडलाइट्स की कहानी होगी, ये वाली क्या बतानी अपने? ये वाली हेडलाइट भैया 6000 की रेंज 6000 की रेंज की है। तो ये भैया क्या सीरीज है, डिफेंडर वाली बोलते हैं? इसका थ्रो भी कम होता है, थ्रो के मामले में एक हेडलाइट मिसिंग है जो अभी नहीं दिखा रहे हैं, जो पिछले 20-25 दिन से नहीं है, वो है यू शेप हेडलाइट, यू शेप वाली। अच्छा जल्दी आने वाली है, यू शेप में अपनी रेड भी आती है, व्हाइट भी आती है, और नहीं आती है, येलो आती है और व्हाइट आती है, येलो और व्हाइट। अच्छा ठीक है तो भाई ये है, बाकी जैसी वो स्टॉक में आएगी आपको किसी ना किसी वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। हमारे पास आज की रेट में ना भाई देखो, पहले तो नॉर्मल ये वाले ऑप्शन होते थे हमारे पास, लेकिन अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ प्रोमेंस के प्रोडक्ट है ना, जो कि काफी अच्छे प्रोडक्ट भी हैं। ये भैया ये कौन सा है? ये भी शैकल है, शैकल 500 रुपए का होता है। तो भाई ये देखो ये इसकी क्वालिटी आपको बता देगी क्या चीज है, ये प्रोमेन का ही है, ये प्रोमेन का है ना भैया। इसके अलावा कोई कोई लोकल भी डालते हैं? दूसरा नॉर्मल तो आते ही है, 1500 की रेंज का 1500 की रेंज का होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूएफओ लाइट, ये यूएफओ लाइट पे भैया विद वन ईयर वारंटी देंगे हम, ये ना ठीक है, ये हम 4000 की रेंज में विद वन ईयर की वारंटी, 4000 की रेंज में विद वन ईयर की वारंटी, बिकॉज ये क्रिस्टलाई ब्रांड का ओरिजिनल ब्रांडिंग, कोई सी भी वारंटी हम दे देंगे, वारंटी हम देंगे, मतलब ये जो जो बनवा रहे हैं वो अपने नाम की ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कभी ये आता कभी कुछ आता कभी कुछ आता, ऐसा है ना। बाकी रिस्पांस की बात करें तो क्वालिटी सेम है सारी, चलो बहुत अच्छी बात। और इसकी बात करें भी इसमें कुछ गारंटी वारंटी हमर लाइट इसकी कुछ नहीं ना, 2500-2200 की रेंज चलती तो ये भी है, वैसे सालों साल चलती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम करवा दे, चिपकती नहीं है, इसमें छेद करना पड़ता है, छेद ही करना पड़ता है, इसलिए हम बता देते हैं आजकल पहले कि भैया इसमें ड्रिल होगा, ये नॉर्मल, ठीक है। और बात करते हैं भैया इसकी ग्रिल्स की, कौन कौन सी ग्रिल है? ये भी रेंगलर जो हम दिखाते हैं शुरू से सारी वीडियो हम, तो ठीक है वाइड वाली जो दिखाते हैं ब्रांड की है, ठीक है। ये भी 6500 की रेंज की ग्रिल है, तो अपने पास जितनी भी ग्रिल है वो ब्रांड वाली भी अपने पास अवेलेबल है। और देखो लाइट वाली जो स्मोक लाइट के साथ आती है, ये सीधे स्पोक वाली ग्रिल हो गई, हाँ जी 7500 की रेंज की है, ओके सेम ये देखो, ये क्रॉस स्पोक में ग्रिल ये वाली, अच्छा है इसमें, ठीक है 7500 की रेंज की। और ये बगल वाली, ये 4x2 वाली वाली भी गाड़ी में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें ना एयर का सेक्शन सीधा आता है, अच्छा अच्छा है 4x2 के लिए अच्छा है। और बाकी ये वाली 4x2 में ये तो लगती है, ये भी सही है, जिस और ग्रिल बीच में आए थे ना भी उसमें जो था ना बिल्कुल जैसे ये वाली ग्रिल अगर हम 4x2 में लगाते हैं तो दिक्कत आती है।
अच्छा ऐसा कुछ है। चलो ये तो कहानी भैया सब को, हर कोई बंदा ये कहानी नहीं बताता। हमारी गाड़ी में दिक्कत आई थी तो जैसे ऐसा होता है वैसे ऐसा हम लोग सीखते भी हैं और करके भी देते हैं आप लोगों को। तो भैया इनका क्या क्या प्राइस है? ये तो सीधी वाली होगी, ये एक इसमें भैया सीधी वाली भी आती है ना, बिल्कुल सीधा सा होता है, वो भी मिल जाएगी भैया, वो 5,000-5,500 की रेंज, 5,000-5,500 की रेंज की है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आप जब भी आओगे उस टाइम पर क्या प्राइस चल रहा है, 5,000 या 5,500। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मार्केट की गारंटी है, रेट की गारंटी है भैया, ना कहीं भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको आप दूर से देख रहे हो ऑनलाइन मंगा लो, पास से आ रहे हो या दूर से भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कॉल करो आप आओ, सारी चीज की व्यवस्था आपके लिए रहती है ना, कि आप रुकना कहाँ पे क्या सीन करना वो भैया से बात कर लेना, सारा कोऑर्डिनेट करके हम लोग झारखंड वाले भाई, पंजाब वाले भाई, दूर दूर से जम्मू कश्मीर वाले भाई सारे उन सबको रुकवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आप जितने भाई दूर से देख रहे हो तो वो तो पहचान ही जाओगे ना, मतलब रुकना कैसे है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सारे अपने पास ऑप्शन है स्पॉटलाइट के, स्पॉटलाइट का ऑप्शन है। तो भैया इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे हिसाब किताब रहता है? देखो ये तो नए वाली लाइट आई है, ठीक है, ये देखो जो हमने पिछली बार भी दिखाई थी बढ़िया, ये येलो थ्रो है इसका, येलो येलो कलर की रोशनी, मतलब सिंगल एक ही येलो है, येलो भी है लेजर भी है, ये सिंगल येलो है, सिंगल येलो, और ये लेकिन बंद में बहुत सुंदर लगती है देखने में, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है देख रहे हो, लुक इसका एक अलग ही लुक निकल के आ रहा है। तो उसके अलावा ये अपना ये जो हम शुरू से, ये तो ऐसी चीज है भाई, अभी तक ना तो इसके अंदर कोई दिक्कत आई है और ना ही अभी तो एक भी लोग पसंद भी बहुत करते हैं इसको, एक भी पीस खराब नहीं आया अभी। ठीक है, रोशनी की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, रोशनी की बात करें तो भैया इसका कैसा रिस्पॉन्स है? ये भी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी है भैया, इससे अच्छी है, डबल का फर्क है भैया, ये 8,500 की रेंज, और ये वाला ये 4,500 4,500 8,500, मतलब डबल का ही फर्क आ गया एक तरीके से। और ये अपना ट्राई लेंस वाला है ना, ट्राई लेंस वाला भैया, ये 4 लेंस वाला। इसमें भैया कौन कौन से कलर होते हैं? येलो व्हाइट, येलो और व्हाइट होते हैं, येलो व्हाइट है और ये रेड कलर की, इसमें डिमन भी है, सारे एजेजी हैं, सारी चीज आपको चेक करा दी जाएंगी, आपको देखना है थ्रो कैसा है तो सारी चीज आप थ्रो पहले चेकआउट कर लो, उसके बाद अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराओ। और इसको इंस्टॉल करने के लिए भी अपने पास एक ब्रैकेट होता है, वो जो कि बोनट पे लगता है ना भैया, ठीक है, बोनट वाला ब्रैकेट जो है वो भी आप लोगों को मिलता है, ताकि आपका इधर उधर कहीं होल करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर जो कंपनी ने आपको पेज दे रखे उसी जगह पे वो लग जाता है, जो कि आपने मेरी वीडियोस के अंदर देख रखा होगा। और ये है अपने पास सबसे ज्यादा आर पार की चीज, जैसे बोलते हैं क्रिस्टल आई का फॉग लाइट प्रोजेक्टर, Q8 प्रो बोलते हैं, ये AES का प्रोजेक्टर है, हमने इसको क्रिस्टल आई के नाम से मंगाया, ठीक है, ये भी इसका थ्रो बहुत अच्छा है, अभी आपकी गाड़ी में भी हम यही लगा रहे हैं, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्टर हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो GTR है, ठीक है, GTR ये रहा, GTR भी अवेलेबल है अपने पास, तो यहाँ पर आपको ना GTR भी लिखा हुआ दिखाई देगा, देखो सामने की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो ये लिखा हुआ GTR, तो ये कुछ GTR आपको मिल जाता है, ओरिजिनल जो ब्रांडिंग होती है ना वो GTR ऐसे बदलता है कि ये ओरिजिनल है। Zimmer 140 भी है हमारे पास, Zimmer 140, ये भैया GTR से कैसा है? सेम है GTR के जैसे। ये वाला ये थोड़ा अलग हो गया बिकॉज ऑफ स्पॉटलाइट, थोड़ा अलग भी है, थ्रो में भी फर्क है, थ्रो में भी फर्क मिलेगा, मतलब ये थोड़ा सा हाई में समझ सकते हैं उसको ना, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको स्पॉट भी मिल गया और बाकी ऑप्शन भी ज्यादा है, और इसके अंदर आपको सिंगल वही हाई लो का ऑप्शन नहीं मिलता सिर्फ इसके अंदर आपको, ये देखो ये कुछ है ब्लू लेंस, सारे ही ब्लू लेंस है, और ये अपना अजूम का है, अजूम का, मतलब आपके पास ना बजट का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्वालिटी तो हम इतनी दिखा देंगे, एलईडी वाला प्रोजेक्टर है, ये कम लोग प्रेफर कर रहे हैं अभी के हिसाब से, जिसको मतलब भैया ये ना ब्रांड का नाम ही काफी है हाँ, जिसको अजूम चाहिए वो और कुछ फिर देखेगा नहीं देखेगा, सही बात है, लेकिन ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। तो भाई यहाँ देखो यहाँ पे ना इसमें कहीं पर अजूम लिखा भी होता है, कहाँ पे लिखा, ये लिखा हुआ इधर लिखा हुआ अजूम इसके अंदर, तो ये अजूम का मिल जाएगा आपको, बाकी इसमें भी एलईडी भी आता है, तो इसका प्राइसिंग क्या पड़ जाएगा अप्रोक्स? 15,000 की रेंज, और अपना ये जो क्रिस्टल आई वाला आपने दिखाया 9,500। बाकी प्राइसिंग का भाई सारे देखो, सारी प्राइसिंग हम देखो, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग क्या करते हैं प्राइस जो वो डिस्क्लोज कर देते हैं, डिस्क्लोज से क्या होता है मार्केट में 100-150 रुपए का मार्जिन देखते हुए कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम मतलब हम नहीं कमा के कर रहे, ऐसा नहीं भाई, हम भी कमा के ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि कोई ऐसे कोई डबल के मार्जिन पे नहीं करते, एक ठीक ठाक मार्जिन रख के करते हैं, सही बात है, तो मतलब प्राइसिंग की तो कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई 150 का कर रहा है तो वो बेकार है, अगर कोई लोग कहे कि नहीं भाई तुम जाओगे तो वहाँ पे ये प्राइसिंग नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वही प्राइसिंग है, अगर मैंने वीडियो में अगर जहाँ मैंने 8,000 बोल रखा है उसके मैं अगर 9 मांगता हूँ तो मेरे को 7 देना, सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। देखो बाकी डिपेंड करता है कि हर चीज का जो प्राइस है वो अप डाउन चलता रहता है थार जैसी गाड़ी के अंदर, क्योंकि कभी 4x2 निकलती है कभी 4x4 निकलता है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है हम कस्टमर को बता देते हैं ज्यादातर, तो देखो भैया अवेलेबल होता है, बीच में रेंगलर हेडलाइट खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक दिन ऐसा हुआ मेरे पास रेंगलर हेडलाइट का एक ही सेट पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे को देना भी उसी रेट में पड़ा, लड़के ने उनको वही सेम प्राइस बता दिया तो उसी रेट में देना पड़ा, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहता हूँ भाई, देखो भैया के पास क्या मिलेगा, पूरी मार्केट की गारंटी बता रहा हूँ, लाइटों के मामले में रिस्पॉन्स के मामले में भैया टॉप नॉच है ना, फॉग लाइट समझ लो, हेडलाइट में अगर आपको प्रोजेक्टर इंस्टॉल करवाने हैं या जो भी करना है उसके अंदर सबसे पहले भैया ही थे,
और आज की रेट में भी भैया टॉप एंड पे भैया वो बात अलग है कि भाई मार्केट में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या परफेक्टली आपको सारी चीजें मिलेगी ना, रिस्पॉन्स के साथ ही मिलेगी, चेक करी हुई मिलेगी, और हम जो जितनी भी हेडलाइट्स रखते हैं वो सारी क्वालिटी वाली रखते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपको अगर गाड़ी में लगाओ तो कैसे भी लगाओ, चाहे बेशक से हेडलाइट महंगी है लेकिन थ्रो कम है, लेकिन क्वालिटी है इसलिए रखी हुई है यहाँ पे, तो सारा डिपेंड करता है ना, रेंगलर बहुत दिखती है। तो भाई देखो गाड़ी में काफी अच्छा था, बात करते हैं इन सभी ये जितने भी प्रोडक्ट है ना भाई, आप लोग पूछोगे 4x2 4x4 दोनों में लग जाएगा, बेस मॉडल में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये कोई भी आपकी थार है कैसी भी थार है दोनों में लग सकता है उसके अंदर ना। उसके बाद बात करते हैं भैया टेल लाइट के कितने मॉडल्स है अपने पास। टेल लाइट भैया देखो ये आपकी स्टाइलिंग वाली टेल लाइट जो शुरू से हम लगाते थे ये वाली, ठीक है, रेंगुलर वाली प्रॉपर रेंगुलर आ गई है, बॉक्सेज वाली मतलब अंदर जो बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, टेल लाइट का डिजाइन सेम है, अंदर बॉक्सेज है, डबल इंडिकेटर आ गया, इसमें दो कलर अवेलेबल है, पूरा स्मोक और स्मोक अवेलेबल है, रेड स्मोक अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अभी सबसे ज्यादा वाइल्ड वाला चल रही है ये वाला लुक है, जिसकी इसकी लाइट है ना ये बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत बढ़िया भी लगती है। इसके साथ अभी जो हमारे रिफ्लेक्टर है वो भी अवेलेबल हो गए, जो बीच में खत्म हो गए थे, तो ये तीन रिफ्लेक्टर है, बाकी अपने पास इसमें रिफ्लेक्टर आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चार पांच तरीके के रिफ्लेक्टर होते हैं टोटल। और टेल लाइट की बात करें तो भैया के पास सारी टेल लाइट है, इसमें सेम ऐसे में नॉर्मल टेल लाइट भी आती है, एक्स वाली वो वाली भी 7500 की रेंज की होती है, ये वाली टेल लाइट भी 8500 की रेंज की होती है, ठीक है, ये वाली टेल लाइट जो है 9500 की, ये सारी 9500 की रेंज की है, ठीक है। इसके अलावा भैया कोई और अलग से टेल लाइट कोई आती है, कोई वैसे डिजाइन आते हैं वो पसंद नहीं आते। बाकी आप अगर आपको पास कोई और है, आपको कोई और पसंद आ रहा है तो भैया आप कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप डाल दो, कॉल कर लो, आपको प्राइसिंग का पता चल ही जाएगा। उसके बाद और क्या रहेगा भैया, ये एसी वेंट का बता दो। एसी वेंट भैया 7500 के लगाते हैं, प्रॉपर वाले जो ओरिजिनल नट के साथ लगते हैं, जो आजकल हम लोग लगा रहे हैं, लगाते हैं वीडियोस में 7500 भैया। उसमें ऐसे भी होता है कि कुछ नट वगैरह टूटते हैं, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं होता ना, प्रॉपर खुलता है, प्रॉपर बनता है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं तोड़ देते हैं, तो फिर वो नहीं कुछ नहीं, वो प्रॉपर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया एसी वेंट में देखो, अगर कोई भी कहेगा कि फ्लो की दिक्कत नहीं आएगी, भैया फ्लो की दिक्कत 19-20 आती है, चाहे हम लगाए चाहे कोई भी लगाए, वो आएगी, दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। इसके अंदर भी एक ओरिजिनल और लोकल वाला सीन भी है ना, मतलब एक दो ओरिजिनल फिटमेंट वाला नहीं है, वो फिटमेंट का फर्क है, कार्डी का एक कार्डी ब्रांड नहीं बनाया किसी ने, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं, कार्डी ब्रांड नहीं बनाया है, उसकी ऐप भी कार्डी होगी, कार्डी नहीं बनाया इसको, ठीक है, मतलब अलग अलग कंपनी के नाम से जो डब्बे बने हुए हैं उन सबकी जो ऐप है वो आप कह रहे हो कार्डी ही मिलेगी, कार्डी ही मिलेगी, कार्डी बनाती है भैया, कहीं ना कहीं आपको डब्बे पे कार्डी लिखा मिलेगा, अच्छा कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, चाहे छोटा सा हो, जैसे इस डब्बे पे देखो साइड में छोटा सा कार्डी लिखा हुआ, ठीक है, बीच में आप जो मर्जी डलवा लो, क्रिस्टल आई डलवा लो या कुछ भी डलवा, कुछ भी डलवा लो, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये प्रॉपर कार्डी का ही मिलेगा आपको, जो कि ओरिजिनल कार्डी का अपने पास आता है, शुरू से प्रोडक्ट है ना भैया, ये देखो ये भी कार्डी है, वो देखो जो हमारी एंबिएंट लाइट है, हाँ जी वो भी देखो कार्डी की, ये भी कार्डी है, हमारी एलईडीज देखो सारी कार्डी, सारी कार्डी है, देख रहे हो जो हम लोग यूज करते हैं वो कार्डी के, बाय कार्डी, ठीक है। तो अपने पास इसका ना समझ लो कि सारी चीजें कार्डी की ओरिजिनल अपने पास रहती है, अपन लोग ये नहीं करते डब्बा बॉक्स वगैरह चेंज नहीं करते, है ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है चेंज करने का, ठीक है, कॉस्टली उल्टा आपको आप ही को पड़ जाएगी अगर हम इसको चेंज करेंगे, डब्बे का कॉस्ट लगेगा, नाम चेंज होगा, सारी चीज होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी कार्डी के नाम से बिकती है हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अपने पास ही सबसे पहले कार्डी का ब्रांड जो है सबसे पहले अपने पास ही आता, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ओरिजिनल चीज आपको मिलेगी वो यहाँ मिलेगी। और बात करते हैं इस इवेंट की वारंटी की, 1 ईयर वारंटी भैया कार्डी के सारे प्रोडक्ट पे 1 ईयर वारंटी ले लो आप, कुछ भी अगर उसके 1-2 महीने ऊपर भी होगा तो भी चेंज कर देना। अच्छा भैया एक चीज और आई है, वो स्पीकर वाली जो नई वाली जाली आई है ऊपर लाइट वाली जो आई है वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, मिल जाएगी, उसका क्या रहेगा हिसाब किताब कुछ पता भैया, उसकी प्राइसिंग अभी देखते हैं क्या खुलता है क्या रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब अगर आपको लगवानी है मैं आपको छोटी सी फोटो वोटो कहीं पे दे दूंगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा, जैसे ही मैं डालूंगा रील आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम चेकआउट करते रहना चाहिए, हम डालते रहते हैं लेटेस्ट अपडेट जितनी भी होती है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आती रहती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और क्या चीज है भैया, सारी ग्रिल वगैरह हमने दिखाई थी, बाकी बम्पर हो गया अंडर रन वो यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, वो सारे अवेलेबल है भैया, कोई भी बम्पर लगवा लो ना, बुलहन ओवरलैंड जो भी बम्पर है सारे अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी तरह का यू शेप चाहिए आपको यू शेप मिल जाएगा, रेंगुलर चाहिए रेंगुलर मिल जाएगा, है ना, रेंगुलर दो तरीके आते हैं, एक बुलहन आता है एक नॉर्मल आता है, बुलहन आता है सारे अवेलेबल, जो कि हमने इस वाली वीडियो के अंदर हमने व्हाइट वाली जो थार हमने दिखाई है ना उसके अंदर हमने लगाया, वो 20500 20500 वो विदाउट बुलहन वाला है भैया, बुलहन नहीं लगाता उसमें, लेकिन वो जेल बम्पर बहुत अच्छा बम्पर है, बहुत अच्छा बम्पर है। और बुलहन वाला क्या क्या प्राइस रहता है, बुलहन भैया 23500 ओवरलैंड 19500 प्लस 1000 लेवल 20500 कोई सस्ता था इसमें, यू शेप वाला कितने का आता है 16500 भैया। एक ग्रिल और आती है इन सबसे हटके एंग्री बर्ड वाली,
जो कुछ कुछ कस्टमर मांगते हैं फाइबर होती है ना, डाली थी वाली ग्रिल है वो, तो भी 5000 की रेंज की है। 5000 की रेंज मतलब वो सस्ती भी है और आपको अगर लगवानी है तो अवेलेबिलिटी पूरी है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सारी DRL आपको ये वाली मिल जाएगी, इसमें एक स्मोक तरीके आएगी, ये मतलब इसमें ना आपको मिल जाएगी थार की सारी DRL। ये सबसे पहले वाली DRL है, ये उसके बाद आई थी, उसके बाद आई ये वाली स्मोक में, तो इसमें कुछ पन्नी नहीं चढ़ रही है, ये स्मोक है। कुछ लोग स्मोक की पन्नी चढ़ा के भी इसको सेल कर देते हैं, तो मतलब हर कोई ऐसा नहीं है, जिसको जो पसंद है वो लेता है, जिसको स्मोक पसंद आती है ज्यादातर तो ये वाली लगती है, जो पहली वाली ये वाली ना ये लगती है ज्यादातर। बाकी किसी को स्मोक चाहिए तो स्मोक भी मिल जाएगी, इसका शीशा ही स्मोक होता है, तो पन्नी तो आपको दिख रही है वाइट है। बाकी अपना पुराना डिजाइन है, किसी को पुराना डिजाइन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा अगर पुराना पसंद हो तो। प्राइसिंग की बात करते हैं भैया इन तीनों के, भैया ये देखो ये 3000 की रेंज का है, ये वाला दो रेंज होता है और ये आपको रेड कलर में, ब्लैक कलर में, और इसके बाद भैया एक और हम लगाते हैं जो कि होता है कार्बन, तो कार्बन का प्राइस भी अलग से होता है, उसमें भी तकरीबन 1000 रुपए का फर्क आता है, वो 3500 की रेंज का होता है, 3500 की रेंज का होता है, बिकॉज हमने उसमें स्पेशल करवाते हैं हम उसको, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है ये वाली, ये चलो ये बोल रही है मेरे को पहले बता दो, ग्रैब हैंडल प्रोमेन का ग्रैब हैंडल है भैया, ये पड़ेगा 7000 की रेंज में, 7000 की रेंज में मिलेगा। तो इसमें भैया कुछ होल वगैरह कुछ इधर उधर कहीं बॉडी में, यहाँ से फिटिंग आती है पकड़ने की, ठीक है, दोनों जगह पकड़ लो, अच्छा कहीं से भी पकड़ लो आपको, ये मेरे को लगता है साइड में ऊपर लगता होगा कहीं पे ना, अच्छा नट लग जाते हैं दोनों, ये अपना गेट है एक तरीके का अपना, ये यहाँ से भी आपकी फील आ गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग जाएगा, प्रोमैन का मिलेगा आपको, ये प्रोमैन की क्वालिटी तो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। उसके बाद एक ये डोर इंच, ये भी प्रोमैन का ही, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इसका प्राइस भैया ये 8000 का, तो भाई ये वाला डोरेंज आपको सिर्फ 8000 मिल जाएगा। पहले इसका प्राइस जो था वो हमने कम भी लगाया, लेकिन इसका जो प्राइस है वो इसकी डिमांड की वजह से 8000 का इसका है। तो आप ये देख लो भाई, लाइट की बात करें तो गाड़ी के अंदर जितनी भी एम्बिएंट लाइट लगती है वो K2 बोलो या K3 बोलो या K4 बोलो, सारी अवेलेबल है भैया के पास, और प्रॉपर वाली, ठीक है। उसके बाद भैया एक AC वेंट भी आ रहा है कि ऐसे ही लाइट वाला जो भाई लाइट भी जलती है, वो भी अवेलेबल है, वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। बाकी अगर किसी की डिमांड है तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये आपका जो साइड में डोर में थार लिखा रहता है ना, ये लाइट वाला, ये भी एम्बिएंट लाइट प्रॉपर के साथ आता है भैया। K3 में आता है, K4 में आता है, K4 में भी कैसे भी लगा लो आप, जो दोनों में आता है, तो ये चीज भी आपको मिल जाएगी। सबसे ज्यादा लग रही है भैया वो ना K4 नॉर्मल जो 6 पीस वाली आती है, जो हम लोग पीछे भी लगा रहे हैं, पीछे डोर्स पे लगा देते हैं, आर्मरेस्ट के ऊपर पे, आगे डोर्स पे, और दोनों डैशबोर्ड लेफ्ट राइट पे लगा, सबसे ज्यादा अभी भैया बिक रही है वो। अच्छा प्राइसिंग की बात करें तो भैया अप्रोक्स क्या आता है, नॉर्मल वाली का क्या प्राइस है भैया? वो 8000 की रेंज का होता है, 6 पीस वाला जो है, जो नॉर्मल K3 K4 और जो वो K3 है भैया, वो 7000 की रेंज, और नॉर्मल वाली जो पाइपिंग वाली आती है हमारे पास वो भैया 4000 की रेंज, 4000 की रेंज की होती है। बाकी आपको जिस तरीके से लगवानी है आप लोग बता देना, सी बनवाना है या नॉर्मल, जो जिस तरीके से बोलोगे वैसे लग जाएगा। पीछे लगवानी है कि नहीं लगवानी है, क्योंकि पीछे अगर आप लगवाते हो तो स्ट्रिप एक्स्ट्रा हो जाती है अगर आप आगे गेट पे सी बनवा लेते हो तो। हाँ वो, लेकिन सी से अच्छा वो लगता है जो नॉर्मल वाला लगता है ना। बाकी आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है तो भाई आपको पता है उसका प्राइस जो वो एक्स्ट्रा ही रहेगा। इसका भी प्राइस हो गया था ना। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल वाले ग्रैब हैंडल की, तो ये पहले हम लगाते थे, वाइल्ड बोर भी है और बुलहॉर्न का भी आ गया। अच्छा बुलहॉर्न है वाला, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ बुलहॉर्न, दोनों अलग अलग मतलब दिखने में सेम है, लेकिन भैया क्या फर्क है दोनों में? थोड़ा सा वेट में फर्क है, वेट ये वाला मुझे भारी लग रहा है ना, थोड़ा सा भारी लग रहा है। बाकी ये वाला अगर आपको लगवाना है वाइल्ड बोर का भी लगवा लो, और अभी तो फिलहाल ये सारे ही अवेलेबल है, कोई भी देख लो, जिस टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम पर जो अवेलेबल होगा आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये स्टॉक आउट होते हैं। इतना कोई फर्क नहीं है कि हमें ये लगाना पड़े या ये लगाना पड़े, सही बात है, हल्का फुल्का सा मान सकते हो आप इसका, वो हो गया। बाकी बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो भैया दोनों का प्राइसिंग क्या है? एक का 3500, दूसरे का 4000। बुलहॉर्न महंगा वाला होगा ना, बुलहॉर्न वाला जो वो 4000 है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इस वाली टेल लाइट की, ये वही टेल लाइट है कि सेम है? ये इन्फिनिटी जो पहले आता था भैया, जो बॉक्स के अंदर बॉक्स जो बनते थे, हाँ ये वो वाला, और ये वाला अपना जो नया है रेंगलर स्टाइल में, इसका क्या प्राइस आता भैया? ये वाला पड़ता है आपको 7800, 7800 का, ठीक है। तो ये देख लो भाई, इसकी क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। बाकी भाई देखो सारे बम्पर वगैरह ना भैया यहाँ पे चक्कर क्या है कि इतना ज्यादा बम्पर निकलवाना, भैया का गोडाउन जो है थोड़ा सा दूर है, वो जब गाड़ी आती है आपकी तो वहां से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बम्पर सारे ऑन द स्पॉट अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपने जब चाहिए तब मिल जाएगा आपको, जैसी गाड़ी खड़ी हुई उसके 10 मिनट के अंदर आपका बम्पर हमारे गोडाउन से पड़ा हुआ है ना, अभी दिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ताकि ये पता चल जाए कि बम्पर साथ में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रिल तो यहाँ पर आपको देखने के लिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रिल आपको यहीं पे दिख रही है, पर ये सिर्फ शो के लिए है ना,
सारी शो के लिए। और बात करें तो गोडाउन के अंदर हमारे पास इतनी ग्रिल पड़ी हुई है अभी फिलहाल के लिए, हर किसी की बहुत सारी पड़ी हुई है, मतलब लगा लो 10-10, 15-15, 20-20 ऑप्शन हमारे पास पड़े हुए हैं। तो एक दिन में 10-10 गाड़ी हो जाती है। सही बात है, हम जो हमने जितनी गाड़ी दिखाई है, मंडे सोमवार जैसा दिन जिसमें पूरी मार्केट क्लोज होती है, बट यहाँ पर जो हम दिखाते हैं ना 12-12 गाड़ियां हमने दिखाई है, और 12 की 12 गाड़ी के अंदर भी आपकी ग्रिल इंस्टॉल हो रखी है ना भैया। भाई जो आपकी गाड़ी के अंदर नॉर्मल फॉग लाइट आती है भैया, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है ना रिफ्लेक्टर वाली, और हेडलाइट भी रिफ्लेक्टर वाली ही होती है। कुछ भाई कहते हैं कि हमें जो हेडलाइट है वो चेंज नहीं करवानी है, थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये ऑप्शन है। भैया कितने कितने वॉट की है इसमें? देखो ये क्रिस्टल आएगी, 200 वॉट की एलईडी है, 200 वॉट की एलईडी है, पावर लिखी होती है। ये देखो भाई 200 वॉट यहाँ पे लिखी मिल जाएगी, ये लिखी 200 वॉट। इसके बाद ये बेसिक है, जिनको सस्ता चाहिए नाइट आई की एलईडी लगा लो, 2200 वाली, ठीक है। जिसने भाई गाड़ी ले ली है बट उसमें थोड़ा सा भी खर्चा कम करना बाद में करना, तो वो नाइट आई लगा लो। डीटेक्स की 130 वॉट की एलईडी मिल जाएगी, ठीक है। क्रिस्टल आई 130 मिल जाएगी, हाँ। ये भी 130 वॉट है, पहले 120 में आती थी, अभी 130 में आ गई, अपग्रेड हो गई। आईडी में भी 150 वॉट भी है और 120 वॉट, मतलब इतनी है कि नाइट आई से स्टार्ट होती है, उसके बाद सीधा 120, 130, 150, 200 से लेकर 6000 तक की एलईडी है, एज पर कि आप कैसे कैसे उसको करवाते हो ना। और भी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हमने एक गाड़ी हम दिखाने वाले वो है थार में हमने लगाया था 13.1 का स्टीरियो जो आ रहा है ना, वो कुछ भाई की रिक्वायरमेंट है कि कैसे, क्योंकि डलेगी तो पूछेंगे जरूर, तो आप बता दो उसका क्या कुछ प्राइस वगैरह है आपके पास भैया? वो 4x2 थार में लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो 4x4 थार है उसका बेस मॉडल में लगा सकते हैं, नहीं कहते हैं तो 4x2 में लगा सकते हैं भैया। उसकी प्राइसिंग जो है 16-16.5 हजार की रेंज में आता है। अच्छा, और उसके बाद बात करते हैं जैसे हम नॉर्मल एंड्रॉइड लगाते हैं बेस मॉडल के अंदर अंदर, तो उसमें क्या रहता है? वो तो भैया 5 हजार की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। बाकी मॉडल अगर लेते हो भैया ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हाँ बोलो, अच्छे मॉडल से बोलो। अच्छे मॉडल जो हम लेते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला आता है, हाँ। वो भी तकरीबन 16,000, 16.5-19 हजार की रेंज का होता है, वो अच्छा स्टीरियो, वो अच्छा स्टीरियो होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप अगर 5 हजार वाला चाहते हो तो वो भी लग जाएगा, और अगर आप चाहते हो तो इनमें से देखो ब्रांडिंग भाई के पास वहां से यहाँ तक ना सारे एंड्रॉइड ही एंड्रॉइड रखे हुए हैं, जितने मर्जी छाट लो, ये सारी एलईडी रखी हुई है, यहाँ सारी में एलईडी भरी हुई है, जितनी भी देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पे जो सामान मिलेगा आपको थार का, तो स्पेशल हमने पूरा का पूरा रूम ही बना रखा है थार का, है ना। जितनी भी टेल लाइट है इधर देखो, सारी टेल लाइट है, सारे एसी वेंट लाइन से रखे हुए हैं, ग्रिल्स वगैरह ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। भैया एक चीज और पूछना चाहूंगा, बेस मॉडल के अंदर हमारे पास स्पीकर ऑप्शन नहीं आता, साइड फुटरेस्ट नहीं आते, डीआरएल नहीं आता। मैं बताता हूँ जो 4x2 बेस मॉडल में जो लगेगा वो जो हमने लगाया है, आगे से शुरू करते हैं भैया। एक लगेगी फॉग लाइट, दूसरा लगेगा डीआरएल, ग्रिल ऑप्शनल है वो आपकी मर्जी है, हेडलाइट ऑप्शनल है वो आपकी मर्जी है, जो ओरिजिनल सामान में लगा वो बता रहा हूँ। अंदर फिर हम आते सीधा स्पीकरों की जाली, चारों स्पीकर के अपना जाली, एक जो ओरिजिनल पोर्ट होता है वो, साइड के फुटरेस्ट, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल आइटम में ये सामान लगेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा, एक है अलॉय व्हील, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन वाली चीज है वो हम ये लगाते हैं, हेडलाइट लगाते हैं। तो स्पीकर वाली जाली जो अप्रोक्स कितने की लग जाती है? 500 की विद जाली के साथ, मतलब जाली अलग आती है और वो पोर्ट अलग आता है, पोर्ट अलग आता है। और बात करते हैं फुटरेस की भैया, फुटरेस 7000 का लगा देंगे, 7000 का, कंपनी जेन्युइन, उसमें कुछ बात ही नहीं भाई। देखो जेन्युइन जो पार्ट है होता है, मैंने स्टीयरिंग नहीं बोला, स्टीयरिंग और कंट्रोल भी होता है, स्टीयरिंग और कंट्रोल भी होता है, जो कि भाई बिल्कुल जेन्युइन वाला सीन होता है। अगर आप चाहो तो ये सारी चीजें लगवा सकते हो, अवेलेबिलिटी इसकी भी है, लेकिन वही है कि एक वीडियो ना अलग डालेंगे उस मॉडल पे ना, इसमें उसको मतलब ऐड करने वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, वो मैं अलग वीडियो बना, ऑलरेडी ये बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो मैं एक दो दिन के अंदर ना भाई देखो हमने बात करी थी 100 कमेंट की, तो भाई लोगों ने 100 से ऊपर कमेंट करवा दी थी, तो उनके लिए मैं सीधा बोलूंगा भाई माफी आप लोगों से, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी आएगी 4x2 बेस मॉडल की, जिसके अंदर हम आपको सारी जाली वाली सब कुछ दिखाने वाले, तो वो थोड़ा सा स्टेट ट्यून्ड है, आप उसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको लगा करके दिखा चुका हूं। पीस की तो बात ही क्या करें, प्राइसिंग की बात थी वो आपने आज सुन ली भैया कि मुझे प्राइसिंग तो भैया ने आपसे शेयर करी थी, हमने कई सारी बेस मॉडल की गाड़ी के अंदर लगा दिया ना भैया। और कुछ रह गया भैया कार के अंदर दिखाने के लिए? बाकी अगर मैं कुछ इन सब में से कुछ भी चीज भूल रहा हूँ तो आप भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप डाल देना, कॉल कर लेना, या फिर आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज वगैरह कर सकते हो कि भाई ये चीज कितने की, वो मैं भैया से पूछ के कंफर्म करके आपको बता दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट पता करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डायरेक्ट में क्या रहता है कि भैया डायरेक्ट एक सेकंड में बता देंगे, मेरा क्या रहेगा 4-5 घंटे में शायद मैं ना दे पाऊँ अगर मैं इधर उधर बिजी हूँ, तो बाकी भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना आप। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना भाई बिल्कुल मत भूलना, और इसी तरीके से मैं आपके लिए ना एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, वो तभी आएगी जब भाई आपके जो लाइक और कमेंट है ना वो बढ़ने चाहिए, अगर वो बढ़ेंगे तो भाई आपके लिए प्राइसिंग की वीडियो दोबारा से एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ प्राइसिंग की, सारे प्रोडक्ट को रखकर, तो वाली वीडियो तभी आएगी जब आपकी तरफ से प्यार मिलेगा ना भर के, तब मिलेगी। इस वाली वीडियो को प्यार दिखाओ, लास्ट वाली डाली थी थार वाली वो उसको भी दिखाओ, और अदर्स वीडियो को भी दिखा दो, ताकि लगना चाहिए, फील आना चाहिए पूरा कि भाई आप लोग देख रहे हो, आप लोग उसको शेयर मार रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो दिखाओ उसको, बाकी इस पर एंजॉय करो। ये भी मतलब प्रोडक्ट के साथ ही दिखा दी मैंने आपको, थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा एक आइडिया कि क्या प्राइसिंग वगैरह रहती है ना। फिलहाल क्लिक करते हैं वीडियो पे, मिलते हैं फिर किसी एक नई थार के साथ। टिल देन पीस आउट।